स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा, बेहतर होगा। आज की वीडियो में मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बताऊंगा कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका जो बंद कोण होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है और इसकी जो संरचना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में मिर्चन के बारे में भी बताऊंगा किस प्रकार एग्जाम टाइम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिए, वो छोटा वीडियो होगा और इस छोटे वीडियो में हमें बहुत सारी बातें जाननी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास किसी भी कंपाउंड का जो अणुसूत्र होता है उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका अणुसूत्र आप देख सकते हो, पोटेशियम, ठीक है, क्रोमियम और ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। डाई किसके लिए लिखा हुआ है, डाई लिखा हुआ है क्रोमियम के लिए, क्योंकि जो क्रोमियम है उसके अणुओं की जो संख्या है यहाँ पर दो है, तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इसके बाद बातचीत करते हैं कि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है। तो बच्चों अब आप देखिए जरा, इसकी ऑक्सीजन संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम की जो ऑक्सीजन संख्या होती है, ये आपको बात फर्स्ट क्लास से पता होनी चाहिए, कितनी होती है, प्लस वन होती है, और हम इसमें टू की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर से प्लस आ जाएगा। और क्रोमियम की कितनी होती है, एक्स, इसको हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, टू की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में, क्लियर है इतना। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हमें क्या करना है, माइनस टू और मल्टीप्लाई सेवन, ठीक है ना। इसके ऊपर चूंकि कोई आवेश नहीं है तो इसलिए हम क्या लेंगे, इक्वल टू में जीरो लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम जब इसको फर्स्ट को करेंगे तो टू आ जाएगा और प्लस टू एक्स आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर सकते हो तो 2x, ठीक है, और माइनस कितना बच जाएगा आपके पास, 12 बच जाएगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 12 अपॉन 2, यानी कि 6 आ जाएगी इसकी ऑक्सीजन संख्या, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो प्लस 6 होती है, नोट कर लीजिएगा। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, प्लस 6 होती है, ठीक है। इसके बारे में बातचीत करेंगे इसकी संरचना की, देखिए इसकी संरचना किस प्रकार बनाएंगे। तो सभी बच्चे ना इसकी संरचना को एक बार ध्यान से देखेंगे। बच्चों देखो जरा, हमारे पास ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड से जोड़ना होता है, टू बॉन्ड से जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन को टू बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, यानी कि इसकी ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, ठीक है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है, माइनस टू होती है। तो हमने इसको यहाँ पर टू बॉन्ड से जोड़ दिया, क्लियर। ऐसे ही इसको भी देखो, इसको भी देख लिया, लेकिन इसको नहीं जोड़ा है, ठीक है। इसको क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ आप माइनस लगाओगे और इधर भी आप माइनस लगाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा सकते थे, इधर भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि एक माइनस ये है और एक माइनस आपके पास ये है, तो कितने माइनस है आपके पास, टू माइनस है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पोटेशियम आयन आप देख रहे होंगे, पोटेशियम आयन को हमने जो परिसर बनाया हुआ है इसके बाहर ही लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास पोटेशियम के जो है दो धनायन है, यानी कि पोटेशियम कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पर भी हम दिखा सकते हैं, तो इसलिए हमने इसके स्ट्रक्चर को जो है ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर हम बातचीत करें इसके बंद कोण की, तो जो इसका बंद कोण होता है, ठीक है, वो किस प्रकार होगा, सी आर ओ सी आर, यानी कि जो इसकी कहीं ना कहीं जो बंद कोण की हम बातचीत करें, तो बच्चों इसके अंदर लगभग 126 डिग्री का बंद कोण होता है, ठीक है। बंद कोण अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो आप कितना बताओगे, 126, ठीक है, 126 डिग्री इसका बंद कोण हो जाएगा। इस प्रकार हम इसकी स्ट्रक्चर को जो है बना सकते हैं। बच्चों जैसे कि आप देख रहे होंगे इसकी संरचना में क्रोमियम जो है ना, उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकली थी, 6 निकल कर आई थी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा संदेह वाली बात नहीं है कि क्रोमियम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये किसके आधार पर है, ये अपनी ऑक्सीजन संख्या के आधार पर 6 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये वाला क्रोमियम भी 1, 2, 3,
चार पांच छह, ये भी हमने छह बल से जोड़ा हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको बनाने की विधि पर, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए जरा, तो सबसे पहले जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको हम निश्चय करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, इसका एक बच्चों मुख्य एस्क होगा। क्या होगा मुख्य एस्क, ठीक है, ये देखिए आप FeOCr2O3, ये क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मुख्य एस्क होता है। ठीक है, याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये क्या है, ये इसका मुख्य एस्क है। खैर, जब हम इसको परावर्तनी भट्टी, चूंकि आप पढ़ ही चुके हो, तो परावर्तनी भट्टी में हम इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। सभी बच्चे जानते होंगे कि परावर्तनी भट्टी में जो है वायु चली जाती है, ठीक है, वायु की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। आप इसको क्या कहते हो, रोस्टिंग कहते हो, ठीक है, यानी कि इसको आप भर्जन कहते हो, यानी कि हम इसके क्रोमाइट के एस का NaOH के साथ वायु की उपस्थिति में भर्जन करते हैं, तो हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम क्रोमेट हमें प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट हमें यहां पर प्राप्त होता है। जैसे कि बच्चों आप देख रहे होंगे कि समीकरण जो है हमारी संतुलित बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, देखिए जरा, तो बच्चों हमारे पास जो लोहा है, फेरस है, फेरस के हमारे पास यहाँ पर चार अणु मौजूद है। ठीक है, उधर देखिए, ये हमारे पास फेरस, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर भी हमारे पास फेरस के चार अणु मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास जो क्रोमियम है, क्रोमियम के है कितने, चार दुनी आठ, इधर है हमारे पास क्रोमियम के आठ अणु, ठीक है ना, तो हमारे पास इधर ये आठ है और ये अंदर तक काम करता है, तो क्रोमियम के आठ अणु इस प्रकार से जो है पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, सोडियम बचा, सोडियम कितने हमारे पास 16, तो इन दोनों की क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर है। इसके बाद फाइनली देखते हैं ऑक्सीजन। बच्चों आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी समीकरण को संतुलित करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में ही आपको बैलेंस करना है, पहले नहीं करना है। ठीक है, यह आप समझ सकते हो कि जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज़्यादा होती है, सबसे पहले आप हमेशा उसी को ही संतुलित करें, उसी का ही बैलेंस चेक करें, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार जो है हमारे पास सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। ये इसकी पहली स्टेज आती है, इसकी क्या है, इसकी पहली स्टेज आती है। हम दूसरी स्टेज पे क्या करने वाले हैं बच्चों, जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट आया है ना, ठीक है, इस सोडियम क्रोमेट को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो हमें इसकी दूसरी स्टेज में क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ठंडा कर देंगे। तो बच्चों ठंडा करने के बाद हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है। बच्चों जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, उसको कुल तीन चरणों में बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके तीन स्टेप है। पहले चरण में हम इसके एस को जो है परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। फिर हमें क्या करना है, सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराना होता है, अभिक्रिया करानी होती है इसकी, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम डाई क्रोमेट। अब जो सोडियम डाई क्रोमेट है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हमें रिएक्ट करवाना है, ठीक है, KCl के साथ। लेकिन इससे पहले अपनी समीकरण को चेक कर लीजिए कि समीकरण बैलेंस है या नहीं है। ठीक है ना, देखिए सोडियम के हो रहे हमारे पास कुल चार अणु, इधर है कुल दो, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, हम यहाँ इधर टू लगा लेंगे, क्लियर है, तो हो जाएगा हमारा समीकरण बैलेंस। क्रोमियम के है कुल टू, ठीक है ना, Cr2 इधर आ जाएगा, और ऑक्सीजन के हैं हमारे पास चार दूनी आठ और चार बारह, बारह अणु है हमारे पास कुल ऑक्सीजन के, सात और चार ग्यारह, और एक भी आ जाएगा हाइड्रोजन के पास है जो, ठीक है, बारह अणु हो जाएंगे। सल्फर के कितने हैं, एक है ना सल्फर का, तो ये सल्फर का एक है। तो बच्चे बहुत आसान है इसको संतुलित करना। इसके बाद देखते हैं इसका जो लास्ट, ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है इसका, कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा गर्म करेंगे KCl के साथ। ठीक है ना, देखिए
तो बच्चों जो इसका लास्ट स्टेप है ना, उसमें हम KCl के साथ Na2Cr2O7 को जो है ना गर्म करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ हमें जो क्या है सोडियम क्लोराइड है वो भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, देख लेंगे, चेक कर लेंगे इसको, क्योंकि आप देख रहे होंगे Na के कितने अवयव हैं यहाँ पर, 2 अवयव, तो आप यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, कि Cl के हो जाएंगे 2 और हमारे पास पोटेशियम के भी 2 अवयव हैं, तो भैया आप यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन के और क्रोमियम के, तो बैलेंस हो चुकी। तो इस प्रकार हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है बहुत ही आसान तरीके से 3 स्टेप में बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसके रंग की बात करूं तो इसका जो कलर होता है ना, नारंगी लाल होता है, नारंगी लाल इसका रंग होता है, और ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलीय के रूप में होती है, ठीक है। और जो इसका हम इसके गणना की बात करें तो इसका गणना लगभग 396 केल्विन होता है, या 396 केल्विन के आसपास इसका जो गणना है वो होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार आज की वीडियो में हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की, इसकी संरचना को सीखा, और इसकी जो विरचन की विधि है उसको हमने देखा, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।